सोलंकी साहब, आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि मैं आऊँ कि वज़ीर आज़म के हवाले से बात करें कि एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। अभी ब्रेकिंग भी चली कि शहबाज शरीफ साहब हो सके, लेकिन इससे पहले फैसले के हवाले से जाना चाहूँगा। इस फैसले के बाद आपकी नज़र में क्या मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी या फिर कमज़ोर होगी? देखें, मजबूत होना तो मैं नहीं कह सकता। अब ये मुस्लिम लीग नून की जो सलाहियत है प्रोपेगेंडे की, उससे तय होगा कि वो ये जो मजलूमियत की जो दास्तान है उसको सेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो उन्होंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वायलन मैंने बजना सुनना शुरू कर दिया। सोलंकी साहब, इस वक्त अहम तरीन चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम वज़ीर आज़म के लिए आ रहा है, ये तजवीज़ दी गई है। कल पार्लिमानी इजलास भी है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का। इस हवाले से बताइए कि पहले ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब नहीं छोड़ेंगे और बड़ा मुश्किल फैसला होगा, लेकिन अब जब सबके ऊपर इकामा की तलवार लटक रही है तो मेरे ख्याल से वाहिद शहबाज शरीफ साहब ही बचे हैं, जिनको क्लीन चिट मिली है बज़ाहिर इस पूरी तफ्तीश के अंदर। आऊंगी मैं बैरिस्टर साहब के ऊपर कि भी मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि हुदैबिया में उनका ऑब्वियसली एक वो डायरेक्टरशिप एंड एवरीथिंग, बट क्या पंजाब दाव पर लगाएंगे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप शहबाज शरीफ साहब को देखकर? मैं ये तो समझता हूँ कि फौरी तौर पर तो खैर शहबाज शरीफ नहीं आ रहे, उनको और ये वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उसको लंबे अरसे के लिए खाली तो नहीं रखा जा सकता। उबूरी तो एक वज़ीर आज़म आएगा और वो वज़ीर आज़म फुल वज़ीर आज़म ही होता है, चाहे वो एक दिन के लिए हो। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो किसको लाते हैं। अच्छा, मुझे जो है ये जो शहबाज शरीफ वाली जो बात है वो अंग्रेज़ी में जो जिसको कहते हैं ना टेकिंग इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, तो मैं पूरी तरह से यकीन मुझे नहीं है, क्योंकि शहबाज जो पंजाब का जो सूबा है वो राणा सनाउल्लाह के हवाले कर देंगे कि बच्चा चलाओ, मुझे कुछ उस पर शक। ठीक है सर, उबूरी के लिए अयाज सादिक का नाम आ रहा है और शाहिद खाकान। जी हाँ, लेकिन इसमें एक खबर ये भी आई है, हमारे कुछ ज़राए बता रहे हैं कि कोई खातून भी हो सकती है वज़ीर आज़म, और ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे शौकत अजीज साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले चौधरी शुजात हुसैन। नहीं, लेकिन कुलसुम नवाज साहिबा का तो मामला और है, उन्हें तो पहले मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनना होगा, वो फिर एक अलग प्रोसेस है। एग्जैक्टली, लेकिन 45 दिन होंगे उसके लिए, फौरी तौर पर एक वज़ीर आज़म होगा और जो कि ज़ाहिर है ऐवान में मौजूद हैं, MNAs मौजूद हैं, उनसे बनाया जा सकता है।